फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक चेंजओवर स्विच के कनेक्शन करना सीखेंगे। इस ऑटोमेटिक चेंजओवर स्विच को फ्रेंड्स एटीएस भी बोलते हैं। एटीएस मतलब ऑटो ट्रांसफर स्विच। फ्रेंड्स, इस एटीएस के अंदर दो पावर सप्लाई इनकमिंग आती है, जैसे कि जो ग्रिड से सप्लाई आती है, मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आती है वो वाली सप्लाई, और दूसरी जो हमारे पास जनरेटर है, इन्वर्टर है या यूपीएस है वो वाली सप्लाई, और इसके साथ में एक आउटपुट लोड कनेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रॉपर इसके कनेक्शन करना सीखेंगे। उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि एटीएस क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों इसको लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने दो एमसीबी लगा रखी है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई आएगी वो कनेक्ट करेंगे। इससे हम जो हमारे बैकअप की सप्लाई है, जनरेटर की है, इन्वर्टर की है या यूपीएस की है, वो वाली कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम इसके अंदर कनेक्ट करके आउटपुट लोड कनेक्ट करके आपको इसको वर्किंग मोड में आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम फ्रेंड्स जान लेते हैं कि एटीएस क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीएनसी कंपनी का एटीएस है। ये इसका मॉडल नंबर है, डबल पोल के अंदर है। फ्रेंड्स, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये दो पोल दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, इसकी जो रेटिंग है, करंट रेटिंग, वो 100 एम्पियर तक की है। आपको इसके अंदर थ्री फेज का एटीएस भी मिल जाएगा। सीएनसी का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो ग्रिड का पोल बना हुआ है, यहां से तो ग्रिड की सप्लाई आती है, और यहां पे जनरेटर की जो एक इमेज बनी हुई है, यहां पे जनरेटर की सप्लाई आती है। फ्रेंड्स, इसके अंदर ये जो टर्मिनल है, यहाँ पे ग्रिड के जो टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली सप्लाई आती है, फेज और यहाँ पे न्यूट्रल आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो चार टर्मिनल दिए गए हैं। ऊपर के जो दो टर्मिनल है फ्रेंड्स, वो सोर्स बी के हैं। ठीक है, ये सोर्स ए के थे, ये सोर्स बी के हैं, यानी कि जनरेटर के जो पावर टर्मिनल आएंगे, फेज यहाँ पे और न्यूट्रल यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो नीचे के ये दो टर्मिनल बचते हैं, यहाँ पे हम लोड को कनेक्ट करेंगे, जो हमारा घर का लोड होता है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी चलाना है, फैन, फ्रिज, एसी, कूलर, जो भी चलाना है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। घर का जो लोड है, यहाँ पे फेज जुड़ जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कंट्रोल के टर्मिनल दिए गए हैं। यहाँ से हम ग्रिड के कंट्रोल करेंगे और यहाँ से हम जनरेटर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जनरेटर को ऑटो में ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं और ऑटो में चेंज ओवर भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक स्विच दिया गया है, जिसको आप मैनुअल में भी इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, सोर्स बी पे करना है या फिर सोर्स ए पे करना है, इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं पावर सप्लाई। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ए पे सोर्स ए का जो इंडिकेटर है, जब सोर्स ए में सप्लाई होगी तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, सोर्स बी में होगा तो ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, अगर दोनों में है तो दोनों के दोनों ऑन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक स्विच दिया गया है। अगर आपको ये मैनुअल में इस तरह से शिफ्ट चेंज ओवर करना है तो आप इसको मैनुअल में रखिए। हम मैनुअल में क्यों रखेंगे, जब अगर ऑटो का ऑप्शन है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑटो वाली साइड पे रख के छोड़ देंगे। उसमें क्या है फ्रेंड्स, जब मान लीजिए हमारी ग्रिड की सप्लाई है तो ये ग्रिड की साइड ही रहेगा। ठीक है, और ग्रिड की सप्लाई चली जाती है और जनरेटर की सप्लाई होती है, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। जब हम इसका डेमो करके आपको दिखाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे R और N, R मतलब रेड और N मतलब न्यूट्रल। ठीक है, ये रेड यहाँ पे फेज कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल। अगर आप यहाँ पे फेज कनेक्ट कर रहे हैं तो इस साइड भी आपको यहाँ पे फेज कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूट्रल तो इस साइड भी आपको न्यूट्रल, इंटरचेंज नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं इसको हम डिन रेल के ऊपर अच्छे से माउंट कर सकते हैं। जो एमसीबी बॉक्स के अंदर डिन रेल लगती है, सी चैनल लगता है, उसके अंदर आसानी से ये फिट हो जाता है, इसको इस तरह से लॉक कर दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो ये वाली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है और ये है जनरेटर की। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एमसीबी है फ्रेंड्स, उसके आउटपुट में यहाँ पे हम इस साइड पे हम फेज वायर जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास फेज वायर है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, और जो इसका वायर का जो दूसरा एंड है फ्रेंड्स, उसको हम एटीएस के अंदर कनेक्ट करेंगे। एटीएस में आप देख सकते हैं, ये रेड वाला जो फेज का जो टर्मिनल हमने बताया था, उस टर्मिनल के इस वाले पॉइंट पे इसको जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो कंप्लीट देखना, इसके अंदर मैं आपको कंट्रोल के टर्मिनल भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से इसकी कंट्रोल वायरिंग की जाती है।
क्योंकि आपको पता है बिना कंट्रोल के ये ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे फेज कनेक्ट हो गया है। अभी हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, तो न्यूट्रल हम एमसीबी के इस वाले टर्मिनल पे आएगा, तो इसके एमसीबी के यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और जो एटीएस के अंदर न्यूट्रल इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो ग्रिड की जो सप्लाई आती है वो वाली कनेक्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम करते हैं जनरेटर की साइड से। जनरेटर की साइड से फ्रेंड्स जो फेज है वो इस साइड आएगा, यहाँ पे आएगा, तो हम इस साइड में क्या करेंगे, फेज वायर को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो ये फेज वायर कनेक्ट हो गया है, और इस वायर का जो दूसरा एंड है इसको हम एटीएस के सोर्स बी वाले टर्मिनल के अंदर कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, न्यूट्रल की बारी है, तो न्यूट्रल हमारी एमसीबी के दूसरे वाले टर्मिनल पे आएगा, तो इसको हम यहाँ पे दूसरे वाले टर्मिनल के अंदर कनेक्ट कर देंगे। और न्यूट्रल के जो एटीएस के अंदर न्यूट्रल का टर्मिनल है उस पर हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देंगे, तो ये न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम ग्रिड की पावर लेंगे, यहाँ से जनरेटर की पावर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो लोड है, लोड हम नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। जो येलो वायर है वो फेज वायर है, ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल वायर है। तो हम जो येलो वायर है फ्रेंड्स उसको हम फेज वाली साइड पे कनेक्ट करेंगे, जो रेड वायर लगी थी उस वाली साइड पे। तो ये यहाँ पे हमने एक लैंप, लोड के लिए लैंप कनेक्ट कर रहे हैं, और न्यूट्रल को हम न्यूट्रल वाली साइड पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है लोड। अभी फ्रेंड्स बारी आती है कंट्रोल टर्मिनल की। कंट्रोल की टर्मिनल कैसे कनेक्ट करने हैं वो आपको मैं अभी बताता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ए आर, यानी कि सोर्स ए और रेड फेज। यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन, जो कि सोर्स ए और न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से फेज उठाएंगे और इसके आर वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे, और यहाँ से हम न्यूट्रल उठाएंगे और इसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए हम छोटा पेचकस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके जो ये स्क्रू है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे दिए गए हैं, तो इसके लिए हम छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वायर है, इसको हम रेड फेज के अनुसार कनेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर हम जोड़ लेते हैं इसको। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये जोड़ दी है, और इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे। यहाँ पे लूज़ करने के बाद इसके साथ में इसको जोड़ देंगे फेज वाले टर्मिनल के साथ, सोर्स ए के फेज टर्मिनल के साथ, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, और अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, ये फेज वायर यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। अभी हम न्यूट्रल वायर को भी कनेक्ट कर लेंगे। तो ये ब्लैक कलर की वायर है, तो सबसे पहले हम इस सोर्स ए के जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है वहीं पे जोड़ देते हैं इसको। तो ये यहाँ पे जुड़ गया है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया इसके छोटे छोटे टर्मिनल हैं, तो हम छोटा स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसके टर्मिनल के साथ इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कनेक्ट हो गया है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सोर्स बी का, अब बी आर लिखा हुआ है और बी एन, यानी कि आर को हम रेड के साथ कनेक्ट कर देंगे, एन को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमने फेज उठाया और इसके आर वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया, और यहाँ से हमने न्यूट्रल उठाया और इसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया। जो ये बाकी के एन सी, कॉमन और ऑफ वाले टर्मिनल बच गए हैं, ये अदर कंट्रोलिंग के लिए हैं, जो कि इससे हम जनरेटर को ऑफ करवा सकते हैं, ऑन करवा सकते हैं, इसलिए ये दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आउटपुट में ये लोड का एक बल्ब जोड़ दिया है आपको टेस्ट करवाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रिड की सप्लाई आ रही है, और यहाँ से हमने इन्वर्टर की सप्लाई ली है, जो कि हमारा सोर्स है बैकअप के लिए। तो यहाँ से जब हम ऑन करेंगे तो हमारी ये बल्ब भी ऑन हो जाएगा आउटपुट में लोड, और ए वाला इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने ये ग्रिड वाली ऑन कर दी है एमसीबी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नॉर्मल पावर आ गई है। और ये देख सकते हैं ए के अंदर सोर्स पावर सप्लाई आ गई है। ठीक है, और लोड भी हमारा कनेक्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद अगर हम दूसरे वाले एमसीबी को ऑन करते हैं तो इसका जो बी वाला इंडिकेटर है ये भी ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कैमरे के अंदर आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा, ये बी वाला इंडिकेटर ऑन हो गया है। अब इस केस में मान लीजिए हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई है वो कट जाती है, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको बी वाली साइड शिफ्ट कर देगा। अभी इसका एरो इस साइड में है, तो उसके बाद ये शिफ्ट करेगा तो इस साइड में आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा ए वाला जो पावर सप्लाई है वो चली गई है और इसने ऑटोमेटिकली ही अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है सोर्स बी की साइड। और इस केस में मान लीजिए हमारी फिर से दोबारा से ग्रिड से सप्लाई आ जाती है तो ये फिर दोबारा से ग्रिड की ओर हो जाएगा। देख सकते हैं ग्रिड की पावर आ गई है और ये चेंजओवर जो है वो ग्रिड सोर्स ए की साइड आ गया है। फ्रेंड्स जो इसकी मेन प्रायोरिटी है यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये क्या रखता है, सोर्स ए की साइड फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है, बी की साइड ये सेकंड प्रायोरिटी रखता है। अगर मान लीजिए दोनों साइड पावर है तो ये ए की साइड ही रहेगा। अगर मान लीजिए हमने अब इसको भी बंद कर देते हैं हम बी को और ये यहाँ से ए वाली भी चली जाती है, फिर ये किसी के पास नहीं जाएगा क्योंकि इसको सिग्नल नहीं मिल रहा कि कोई सी साइड भी फेज सप्लाई नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, जनरेटर को चलाएंगे या इन्वर्टर को चलाएंगे। तो जैसे ही चलाएंगे तो ये बी सोर्स की साइड सप्लाई आ जाएगी और ये बी सोर्स की साइड कनेक्ट हो जाएगा यानी कि सेलेक्ट हो जाएगा और बी साइड की सप्लाई आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ये ऑटोमेटिक चेंजओवर की या एटीएस की वायरिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका मैनुअल का फंक्शन भी दिखा देता हूँ। अगर ये इस तरह से मैनुअल में होता तब क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारी ग्रिड की सप्लाई आ गई है लेकिन उस टाइम पे ये चेंज नहीं हुआ। देख सकते हैं ये ए की सप्लाई आई हुई है लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हाथ से इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए ग्रिड की सप्लाई हम बंद कर देते हैं, बंद कर दी है लेकिन ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ से मैनुअल में किया हुआ इसको। अगर आप मैनुअल में स्टेबल रखते हैं मतलब मैनुअल में करना चाहते हैं तो मैनुअल में कर सकते हैं, अगर ऑटो में करके छोड़ना चाहते हैं तो ऑटो में कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इस तरह से हमने यहाँ पे बंद कर दिया और यहाँ से इसको ऑन कर दिया। अभी ए की सप्लाई है तो इसको हम ए की साइड इस तरह से करना पड़ेगा हाथ से, तो क्यों ना हम इसको ऑटो की साइड ही छोड़ दें, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ही होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप आसानी से एक एटीएस लगाकर ऑटोमेटिक चेंजओवर स्विच लगा सकते हैं, एटीएस लगा सकते हैं। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एटीएस है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज की ये वीडियो में आपने सीख लिया कि एटीएस के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं और क्या काम होता है और किस लिए इसको यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।